तो गाइस आज मेरे पास है डिकोनी के ईयर पैड्स जो कि मैंने पर्सनली लिए हैं अपने M50X के लिए। तो जब मैंने इसको M50X के लिए लिया तो मैंने सोचा मैं इसका एक रिव्यू करना तो बनता है, बिकॉज ऐसे आप में से कई लोग होंगे जिनको यार ईयर पैड्स लेने होंगे अपने M50X के लिए। दिस इज़ द ओनली हेडफोन दैट हैज़ बीन रनिंग इन द कॉन्ट्रोवर्सी फॉर द लॉन्ग टाइम, बिकॉज दो पार्ट्स में लोग डिवाइडेड रहते हैं M50X के लिए। आधे ऑडियो फाइल्स होते हैं Those who said this is not a good headphone, और आधे होते हैं जिनको पर्सनली बहुत पसंद है। इट इज़ जस्ट डिपेंड ऑन योर टेस्ट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं बताता हूँ कि आई हैव बीन यूजिंग दीज हेडफोन फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट 7 साल तक इन्हें मेरे साथ ही, और अभी भी ऑलमोस्ट ये बिल्कुल न्यू लगते हैं। तो फिर अभी टाइम आ गया था इनके ईयर पैड्स को चेंज करने का, बिकॉज ईयर पैड जो इसका स्टॉक ईयर पैड था वो हल्का सा टेयर अप हो गया था, जहाँ से आपका ईयर पैड आपके ईयर कप से जुड़ता है। तो सबसे पहले जब मैंने इसको परचेस किया था तो उसके ऑलमोस्ट 2 साल बाद जो इसकी जो टॉप लेयर होती है किसी भी ईयर पैड की, जैसे आपने ये देख रहे होंगे, तो इसकी जो टॉप लेयर होती है, बिकॉज दैट इज़ यूजली मेड अप ऑफ लेदरेट और सम काइंड ऑफ रैगजीन और सिंथेटिक लेदर का बना होता है, तो वो पील ऑफ होने लगता है बिकॉज स्वेट के कारण, और जो उस पर प्रेशर पड़ता है आपके ईयर पैड्स पे, जो ठीक है जो आपका क्लैंपिंग फोर्स होता है टेम्पल पे, तो उसके कारण वो क्रैक होने लगता है एंड देन वो पील ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये गंदा होता था, देन इसको फिर वॉश करते थे तो वहीं पे इसकी लाइफ ऑलमोस्ट कम होती चली गई। स्टिल दे आर वेरी प्लशी, बट फोम थोड़ा सा थिन हो गया है। तो मेरे पास फिर जो मेरे ब्रेन वेव्स के एयरपैड्स जो मैं यूज़ कर रहा था वो भी ऑलमोस्ट 1.5 साल चले, उसके बाद आई हैड टू थ्रू देम आउट बिकॉज वहाँ पे भी क्रैकिंग और इन सब की प्रॉब्लम आने लगी। तो वेलोर जब भी आप लोगे तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यार उसमें थोड़ी डेंसनेस हो उसके वेलोर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है DD990 Pro, और इसका जो वेलोर आपने देखा होगा दिस इज़ क्वाइट डेंस और ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिकोनी की ईयरपैड्स की, ठीक है, डिकोनी ऑडियो का जो ये ईयरपैड्स जो मैंने अपने M50X के लिए परचेस किए, दीज आर फार बेटर देन द ब्रेन वेव्स वन, बिकॉज मैं ब्रेन वेव्स भी यूज़ कर चुका हूँ। आई मस्ट टेल यू कि दीज ईयरपैड्स वर्थ बाइंग, आई मीन द वेलोर इज रियली रिच। इसका अगर आप वेलोर देखोगे द ब्लैक कलर सूट्स दीज हेडफोन वेरी मच, और जो इनका वेलोर है वेरी डेंस है, बहुत प्लशी है, स्टिल बहुत ज़्यादा प्लशी अभी नहीं है बिकॉज ओवर द टाइम इसमें प्लशीनेस बढ़ने लगती है, और अभी इसमें हल्की सी हार्डनेस है जो कि होनी भी चाहिए, ठीक है ना। एंड रेस्ट इट फिट्स दीज हेडफोन्स वेरी परफेक्टली गाइज। तो एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो ईयर पैड्स हैं फ्रॉम डिकोनी ऑडियो M50X के लिए, ये आपका M20X से लेके M30X, 40X, 50X ये चारों में कंपैटिबल है। इवन ये सोनी की एक सीरीज़ आती है जो कि CDR900ST और एक आती 7506, ठीक है, इसमें भी कंपैटिबल है सोनी के। एंड मैं बात बताता हूँ इसकी, द वेलोर इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, द वेरी डेंस वेलोर, बहुत ही लाइट वेट है। और वेलोर की जो खास बात होती है ओवर द सिंथेटिक ईयर पैड्स वो ये होती है कि दीज आर लाइट वेट, ये स्वेट को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दीज आर वॉशेबल, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, एंड जो आपका क्लैंपिंग फोर्स होता है उसको ये अच्छे से हैंडल करते हैं। एंड सेकेंडली दीज आर बिकॉज रियली सॉफ्ट होते हैं और ये काफ़ी अच्छे से मोल्ड हो जाते हैं आपके टेम्पल में, और साथ में जो आप जो लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं लाइक मी, ठीक है ना, वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छी ग्रिप बना लेते हैं। तो गाइज अगर आप मुझसे पूछते हो कि यार इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, साउंड स्टेज कैसा है आफ्टर रिप्लेसिंग द स्टॉक ईयर पैड विद द डिकोनी ऑडियो, तो मैं बताऊँगा कि यार काफ़ी अच्छा साउंड स्टेज है एंड साउंड क्वालिटी में ऑलमोस्ट कोई भी फ़र्क नहीं आया है। जैसे M50X स्टॉक शुरुआत में मेरे पास थे बिल्कुल वैसा ही साउंड स्टेज है, साउंड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। एंड बिकॉज क्या था कि इनकी प्लशीनेस थोड़ी कम होती चलेगी जो स्टॉक वाले थे, बिकॉज बहुत पुराने को ऑलमोस्ट 7 ईयर्स इनको हो चुके हैं, तो जब ये बैक से बिल्कुल फटने लगे और इन्हें फ्रेम को छोड़ दिया ईयर कप के, तो ऑब्वियसली मेरे को इनको चेंज करना ही था। काफ़ी अच्छी ईयर पैड्स हैं और मैं कहूँगा कि आपका जो क्लैंपिंग फोर्स है उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, और द डेंसनेस इन द वेलोर इज़ रियली गुड, सो ओवरऑल वर्थ द मनी। और कोई भी अगर ढूंढ रहा है ईयर पैड्स अपने M50X के लिए, तो आई श्योरली रिकमेंड दीज डिकोनी ऑडियो ईयर पैड्स फॉर योर M50X। सो गाइज यहाँ पे ये रिव्यू था डिकोनी ऑडियो के ईयर पैड्स का जो कि मैंने पर्सनली लिए थे अपने M50X के लिए। सो गाइज दिस इज दिनेश, आई एम साइनिंग ऑफ, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है CCZ का मेलोडी, जैसे कि आपने पोस्ट में देखा होगा, एंड आफ्टर आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड द CCZ Coffee Bean. So after the Coffee Bean, we have the Melody one.